नमस्कार दोस्तों, जोगिंदर निर्वाल कैरियर मैट्रिक्स से। फाइन, तो आज का हम टॉपिक करेंगे एवरेज, एवरेज औसत। एवरेज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको पहले ही बताया था। एसएससी, बैंक या फिर डीएसएसबी, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो कॉम्पिटिटिव लेवल पर, इसके क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे। तो पहला टाइप आप देख लेते हैं कि एवरेज निकलती कैसे है। एवरेज, अगर आपने किसी की भी एवरेज निकालनी है तो सबसे पहले उनका टोटल कर दो, मतलब सम ऑफ द टर्म्स, एंड डिवाइड कर दो नंबर ऑफ टर्म्स से। ठीक है, तो आपकी क्या निकल जाती है, एवरेज। बट एक और तरीका है एवरेज निकालने का, जिससे कि दो क्वेश्चंस निकलते हैं। एक तो निकलता है सीरीज का क्वेश्चन, सीरीज मतलब जिसका डिफरेंस हमेशा क्या होगा, सेम चलेगा, डिफरेंस सेम, जैसे कि 100, 200, 300, 400 एंड 500। अब आपने देखा कि सबके डिफरेंस क्या चल रहे हैं, सेम चल रहे हैं। अगर ये बच्चों सेम चल रहे हैं तो आपको एवरेज निकालनी है। तो इन सबका टोटल करके नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप सेंटर वाले नंबर को अपना क्या बना सकते हो, आंसर। आपकी एवरेज होगी यहां पर 300। अगर क्वेश्चन थोड़ा चेंज होता, मतलब नंबर कितने आपके पास, 4 है, तो आप क्या करोगे, तो आप एक और काम कर सकते हो कि अब तो नंबर सेंटर का नंबर कोई है नहीं, तो क्या किया आपने, 200 प्लस 300 और डिवाइड कर दिया किससे, 2 से, तो आपका आंसर हो गया 500/2, मतलब कि आंसर हो गया आपका 250। तो ये 250 क्या कहलाएगी, आपकी एवरेज कहलाएगी। क्लियर हो गया दोस्तों, चलिए ठीक है। तो आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन होता है आपका नॉन सीरीज का, जिसमें कि आपकी सीरीज नहीं चलेगी। सीरीज फॉर एग्जांपल 38, 27, 45, 35, 25, और आपको इसकी क्या निकालनी है, एवरेज। तो आपने देखा कि यहां पर अलग अलग नंबर हैं, कोई भी नंबर आप ले सकते हो और इनकी एवरेज निकालनी है आपने। तो आपने क्या किया कि एक कोई भी नंबर इनमें से एवरेज लेट कर लिया, इनमें से ले लो, या फिर कोई भी ऐसा नंबर जो इन सबको इजीली डिडक्ट कर सके। फॉर एग्जांपल मैंने एवरेज जो लेट करनी है वो कर ली 40, अगर मैं 40 एवरेज लेट कर लेता हूं, तो मैंने 38 देखा, तो मेरा 38 कितना पाया गया है, -2। अगर मैं फिर 23 देखता हूं, 27 देखता हूं 40 से, तो ये देखा गया कितना हो गया, ये -13, ये हो गया +5, ये हो गया -5, और ये हो गया -15। तो अब आपने करना क्या है, जो भी चीज माइनस में आ रही है उन्हें एक तरफ लिख लो, और जो भी प्लस में आ रही है उन्हें एक तरफ लिख लो। या तो आप +5 और -5 इनमें से निकाल भी सकते हो, और आपके पास बचा -2, -13 एंड -15, जो कि आपका आंसर बनाएगा -30। अगर ये -30 बना रहा है तो इसे डिवाइड कर दो नंबर ऑफ टर्म्स से, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 5, और आपका यहां से आंसर आ रहा है कितना, -6। अगर ये -6 आ रहा है तो इस एवरेज जो आपने लेट की थी तो उसमें माइनस कर दीजिए। अगर ये आपका पॉजिटिव आए, प्लस आए, तो इसमें एड ऑन कर दीजिए। ठीक है, दोबारा देखते हैं, दोबारा कर लेते हैं। कोई भी नंबर आप लेट कर लो, आंसर आपका 34 ही आएगा। दोबारा कर लेते हो, कोई भी नंबर एक और बार मैं लेट करूंगा, इनमें से या बाहर से कोई भी, अगर मैंने एवरेज लेट कर ली 35 से मैं डिफरेंस देखूंगा 38 का, तो ये हो गया +3, ये हो गया आपका -8, ये हो गया +10, ये हो गया 0, और ये हो गया -10। तो +10 से -10 कैंसिल आउट, +3 -8,
तो आपका आंसर होना चाहिए -5। तो -5 को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ टर्म से, 5 मतलब -1, अगर -1 आ रहा है तो इसमें क्या कर दो -1 और आपका आंसर फिर से क्या आ जाएगा 34। तो बच्चों देखो कोई भी नंबर आप लेट कर सकते हो, अगर जो भी नंबर आपने लेट किया है अगर वो नंबर बड़ा है तो प्लस, अगर वो छोटा है तो क्या आएगा माइनस, और लास्ट में अगर माइनस आ रहा है तो माइनस, पॉजिटिव प्लस आ रहा है तो प्लस करेंगे जस्ट। ठीक है, तो देखते हैं इसी चीज को हम क्वेश्चनों पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे होगा आपका। देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ 85 स्टूडेंट्स इज 87 एंड 102 स्टूडेंट्स इज 109 देन फाइंड द एवरेज ऑफ All, तो आपको सबकी एवरेज निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, आपको पता होना चाहिए कि 85 स्टूडेंट्स कितने मार्क्स लेके आए हैं। तो आपने टोटल निकाला, 85 इंटू किया 87 से और ऐड कर दिया 102 इंटू 109 से और डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से, वो है कितने, वो है 85 प्लस 108। बट अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा थोड़ा लेंदी। ठीक है, तो देखते हैं, मैंने आपको कहा था क्या वो काम आप कर सकते हो। तो मान लेते हो एक ग्रुप है ए, एक ग्रुप है बी आपका। तो एक ग्रुप में है 85 स्टूडेंट्स और एक में है आपके 102 स्टूडेंट्स। तो एक तो सबसे पहले इन्हें छोटा बना लीजिए, एक तो 85 है और कितने हैं 102। तो मैंने देखा कि ये भी कटता है और ये भी कट रहा है 17 से, ये 5 पे कट रहा है और ये कट रहा है 6 पे। इनकी जो एवरेज है वो कितनी है, ए की एवरेज है 87 एंड जो बी की एवरेज मैंने बताई है आपको वो बताइए 109। तो कोई भी मैंने कहा था एवरेज आप लेट कर सकते हो, तो आपने जो एवरेज लेट कर ली वो कर ली 109। अगर एवरेज आपकी 109 है तो 109 का डिफरेंस तो कितना आ रहा है बच्चों, 0 आ रहा है, और आपने यहां से देखा तो ये आ रहा है शायद 22, वो भी किसमें, माइनस में, आपकी एवरेज से छोटा नंबर है तो किसमें आएगा माइनस में आएगा। और बच्चे कितने हैं इस क्लास में, इस क्लास में बच्चे हैं 5 तो ये मल्टीप्लाई 5 से, इस क्लास में बच्चे हैं 6 तो किससे मल्टीप्लाई करो आप 6 से। तो आपने देखा यहां पर माइनस में 110 आ गया है आपका और यहां पर कितना आ गया है 0। तो आपने देखा यहां माइनस में और ये तो 0 ही रह गया, तो माइनस में हमने क्या लेना पड़ेगा 110। आपने मैंने कहा था आपको कि टोटल नंबर ऑफ टर्म से या फिर स्टूडेंट से डिवाइड करोगे, तो कितने स्टूडेंट्स आपने लिए हैं 5 और 6, तो टोटल कितने हो गए आपके पास 11। तो 11 से इसे क्या करोगे डिवाइड और आपका आंसर यहां से आ रहा है कितना माइनस में 10। अगर ये माइनस 10 आ रहा है आपका तो आपने एवरेज लेट करी है, उसमें क्या करोगे आप माइनस 10 कर सकते हो, तो माइनस 10 से आपका आ गया 9 और यहां से आया आपका एक और 9, तो आपका आंसर क्या हो गया 99। तो देखा आपने कि ये आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन से बच सकते हो इजीली, आपने करना कुछ नहीं है, इनका क्या ले लो छोटा बना लो, 5 और 6 बना लिया, एक एवरेज लेट कर ली 109 जिसका डिफरेंस देखा यहां से 0 आ रहा है और यहां से आपने देखा कितना आ रहा है 22 माइनस में, और जितने भी नंबर हैं आपके स्टूडेंट्स वो 5 हैं, यहां पर कितने हैं 6 हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज 110 और डिवाइड कर दिया किससे नंबर ऑफ स्टूडेंट से, जो कि कितने आ रहे हैं आपके 11 और माइनस 10, अगर माइनस आ रहा है तो आपने क्या कर दिया माइनस, आपका आंसर 99। तो इन सब की एवरेज जो कहलाएगी वो कहलाएगी 99। तो ऐसे ही आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। अगर यहां पर आपको ए बी सी डी कितने भी बैच दे दे, आपको सबको मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एग्जाम्पल और चाहिए तो मैं एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं आपको, जिसमें कि ए बी सी तीन क्लासेस होंगी और कंबाइंड एवरेज आप विदाउट मल्टीप्लीकेशन निकालोगे। ठीक है, तो देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आपको देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। अब यहां पर आपकी तीन क्लासेस हो गई हैं ए बी एंड सी,
एक में स्टूडेंट है 72, एक में है 48, एक में है 40, जिनके मार्क्स की अलग अलग एवरेज आपको दी हुई है, गिवन है 85, 75 एंड 86। तो अगर आपको एक कंबाइंड एवरेज निकालनी है तो जरूरी नहीं है इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ऐड करो। मैंने आपको पहले ही कहा था कोई भी एक चीज आपने एवरेज लेट करनी है। मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि आपने एवरेज लेट करनी कैसे है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स का रेशियो ले लो, 72 48 40। आपने देखा ये शायद 8 से डिविजिबल है, अगर ये 8 से डिविजिबल है तो ये कट रहा है 9 पर, मतलब स्टूडेंट्स आपने लेट कर लिए 9 है, यहां पर 6 है, यहां पर 5 है, तो टोटल स्टूडेंट्स आपके होने चाहिए कितने, 20। आप आगे चलते हैं, एवरेज, एवरेज इसकी 85, इसकी 75, इसकी 86। तो कोई भी नंबर आप एक एवरेज लेट कर लीजिए और एवरेज आपने लेट कर ली 86 सपोज। तो आपने देखा 86 से इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 0। अब आपने देखा 86 से 75 ये तो छोटा हो गया उससे, मतलब आंसर किसमें होना चाहिए आपका, माइनस में, और कितना छोटा हो गया है ये देख लेते हैं, 11। अब देखते हैं आपका 85 कितना छोटा हो गया है, एक, कितने स्टूडेंट्स हैं, 9, मतलब यहां से माइनस 9 आएगा, कितने स्टूडेंट्स हैं, 6, मतलब यहां से माइनस 66 आएगा, और माइनस और माइनस और टोटल आपका आ गया माइनस में 75। अगर ये माइनस 75 हो रहा है तो डिवाइड किससे होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से, जो कि हैं कितने, 20। तो यहां से आपका एक आंसर निकलेगा, वो होगा शायद 3.75, इतना ही होगा, चलिए ठीक है, और किसमें होगा, माइनस में। तो मैंने कहा अगर माइनस है तो यहां पर क्या होगा आपका, माइनस, तो यहां पर इसे हम माइनस कर देते हैं और आपका आंसर हो जाना चाहिए 82.25। दोबारा ए बी सी 9, 6, 5, 85, 75, 86, एवरेज लेट करी 86, डिफरेंस देखा 86 से सबका 0 आ रहा है, 86 75 का माइनस 11, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 6 और यहां पर आ गया माइनस 9 माइनस 66, टोटल हो गया आपका माइनस 75 और डिवाइड कर दिया टोटल स्टूडेंट से, वो है कितने, 20। तो आपका आंसर होना चाहिए माइनस 3.75 और आपने लास्ट में क्या कर दिया, इसे माइनस, और आंसर आपका फाइनल एवरेज जो बनी आपकी वो बनी 82.25। चलिए ठीक है, अब चलते हैं एक और नेक्स्ट लेवल पे आपके एवरेज से, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ठीक है दोस्तों, आप देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका, 5 years ago the average age of husband and wife was 23 years, today the average age of husband wife and a child is 20 years, how old is the child, मतलब 5 साल पहले एक पति और पत्नी थे, एक हस्बैंड एंड वाइफ, जिनकी एवरेज एज कितनी थी, 23, बट ये कब थी, 5 साल पहले थी। अब टुडे, आज, आज क्या हुआ, एक चाइल्ड के आ जाने से एज क्या हो गई एवरेज, 20 years, मतलब अगर हम टुडे आज की बात करें तो एक चाइल्ड है, सॉरी एक हस्बैंड है, वाइफ है और कौन है, एक चाइल्ड भी आ चुका है आपका। तो आप देखोगे कि जो हस्बैंड और वाइफ है इन दोनों की जो एवरेज पहले 23 थी, अब बढ़कर वो 28 हो जानी चाहिए, और एक चाइल्ड के आ जाने से एवरेज कितनी हो गई है, अब आपकी एवरेज हो गई है 20।
तो अब आपको इसमें एवरेज लेट करने की जरूरत नहीं है बच्चों, आपको एवरेज पहले ही क्या है गिवन है, कितनी एवरेज दी हुई है आपको 20 20। तो आपने देखा कि ये 20 एवरेज और यहां पर कितनी है 28, इन दोनों की दो की एवरेज 28 है। तो आपने एवरेज लेट नहीं करना है, एवरेज आपके पहले गिवन है 20। तो आपने देखा 28 किस में जा रहा है, प्लस दो में जा रहा है, और अगर ये प्लस दो में जा रहा है तो इनटू होंगे हैं कितने ये दो, और यहां पर आ गया प्लस में 16। ध्यान से सुनो बच्चों, अगर यहां पर क्या आ गया प्लस, और यहां पर भी हम क्या कर रहे थे एवरेज में प्लस, बट कब कर रहे थे, जब हम एवरेज लेट कर रहे थे। अब यहां पर एवरेज आपने लेट नहीं की हुई है, आपने वो एक्चुअल एवरेज पता है कितनी है 20, और ये कितना ज्यादा लेके आ गए 16। तो एवरेज के हिसाब से चाइल्ड की एज कितनी हो जानी चाहिए, अगर 20 में से आप ये 16 अब माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बच्चा कितने साल का है, 4 साल का है। ठीक है, अगर आप एवरेज लेट कर रहे हो तो प्लस का प्लस माइनस का माइनस, बट एवरेज आपको पहले ही गिवन है। तो अगर एक की एवरेज निकालनी है तो क्या कर दिया प्लस, यहां जाके क्या हो जाएगा अब माइनस। तो चाइल्ड की एज कितनी आ गई बच्चों, 4 साल। चलिए ठीक है, अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब चेक करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 years ago द एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 5 members वॉज 18 years। अ बेबी हैविंग बीन बोर्न द एवरेज ऑफ द फैमिली इज सेम टूडे। मतलब 5 members की फैमिली थी 3 साल पहले, उनकी एवरेज एज 18 साल थी, लेकिन एक बच्चे के आ जाने से आज भी उनकी एवरेज एज कितनी रह गई है 18, 18 ही रह गई है। तो हमें बतानी है फाइंड द एज ऑफ द चाइल्ड, वो बच्चा कितने साल का है। तो आपने करना कुछ नहीं है बच्चों, 5 members हैं, जल्दी से क्या किया आपने कि अगर वो 3 साल पहले 18 के थे तो टुडे आज आज वो कितने के हो जाएंगे 21 के, और एक चाइल्ड आपका और एवरेज आपकी सेम टुडे, मतलब 18 थी पहले अभी भी कितनी रह जाएगी आपकी 18 रह गई। ठीक है, तो चाइल्ड कितने का है ये निकालना है। तो आपने देखा 18 और ये कितना है 23, तो ये आ रहा है +3, और मल्टीप्लाई किससे होगा, 5 members हैं तो 5 से ये आ गया कितना 15। अगर चाइल्ड की एज निकालनी है तो 18 में से ये 15 जो पॉजिटिव आया है वहां जाकर क्या हो जाएगा ये माइनस, आंसर आपका कितना हो गया 3 years। तो वो बच्चा कितने साल का हो गया 3 साल का। चलिए ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, आप हमारी सर्विसेज हमारे 3 सेंटर पे ले सकते हो, कैरियर मैट्रिक्स, उत्तम नगर, मुखर्जी नगर और इवन रोहिणी पे भी। आप अगर आओगे तो आपको पहले ट्रायल क्लास दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, आप हमारी सर्विसेज कैरियर मैट्रिक्स में आकर ले सकते हो।